हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये देखिए, आज मैंने कुछ नया लेकर आई हूँ और ये है कि ये जो पॉट्स मैंने हैंग किए हुए हैं, ये हम नर्सरी से जब पौधे लाते हैं तो कुछ पौधे जो हैं वो पॉट्स में होते हैं, तो हम उनको गरा के तो बड़े पॉट्स में लगा देते हैं और ये छोटे छोटे जो होते हैं ये रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हम कभी उधर रख देते हैं और इनमें प्रेफर ही नहीं करते कि कुछ लगाएँ हम, तो हम निकाल के एक साइड पर ऐसे रख देते हैं। तो फिर मैंने सोचा, ये भी मैंने लाए हुए थे मेरे पास, ये काफ़ी पड़े हुए थे, कुछ तो मैंने यूज़ किए हुए हैं तो ये भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनका भी आज कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको साफ़ कर लिया था अच्छे से और ये कलर जो थे वो मैंने इस पर करना शुरू कर दिए थे। ये मैं एक्री कलर ही कर रही हूँ और इनमें मैं डार्क कलर जो है वो सभी में करूँगी और ये थोड़े अट्रैक्टिव से करके मैं इन पर कलर और थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर मैं इनको यूज़ करूँगी आज अपने गार्डन में। इस तरीके से मैंने ये कर लिया था, फिर दूसरा और तीसरा भी कलर जो था वो मैंने कर लिया था इसमें। इन तीनों को मैंने कलर करने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद मैं अब इन पे डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये मैंने फ्लावर लिया था और कलर में डिप करके इस तरह से इस पे डिज़ाइन बनाया। सभी में मैंने ये फ्लावर के साथ ही डिज़ाइन बनाया और ये फ्लावर जो था वो बार बार मुझे लेना पड़ रहा था क्योंकि ये थोड़ा हल्का होता है इस तरह से, नाजुक सा, तो ये बार बार मतलब पत्तियाँ इसकी थोड़ी सी ऐसी ख़राब हो रही थी और फिर मुझे कम से कम 3-4 फ्लावर्स जो थे वो मैंने यूज़ किए थे इसको डिज़ाइन बनाने में। तो डिज़ाइन बनाने से क्या होगा कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये पॉट, तो इसलिए फिर मैंने ये डिज़ाइन जो था वो इसमें बनाया था। डिज़ाइन बना लिया था, फिर मैंने इनमें मट्टी डाली और इनमें मैंने प्लांट्स जो थे वो लगाने थे और मैं इसमें कटिंग के प्लांट्स ही लगा रही थी जो कटिंग से बड़ी आसानी से चल जाते हैं और ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो इन तीनों में मैंने कटिंग वाले प्लांट्स जो थे वो ही लगाए थे। प्लांट्स लगाने के बाद अब मेरा काम था कि मुझे एक रस्सी चाहिए थी और इन पॉट्स को मैं हैंग करना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने एक रस्सी ले ली थी और 4 हिस्से में बराबर रस्सी जो थी वो मैंने ले ली थी और इनको अच्छे से हैंग जो था वो मुझे करना था। तो इस तरीके से मैंने 4 रस्सियाँ ले ली थी और बराबर रख कर इस तरह से नीचे से इसको बांध लिया था मैंने अच्छे से और फिर मैंने पॉट्स जो थे वो ऐसे लंबे तरीके से ही मुझे हैंग करने थे। और जिसको स्पेस की प्रॉब्लम होती है कि गार्डनिंग भी बहुत अच्छी लगती है उनको और स्पेस की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से आप लोग जो वो हैंग करके अपने पॉट्स वगैरह लगा सकते हैं, इसमें इतनी स्पेस भी नहीं लगती है। तो इस तरीके से भी मैंने रस्सी को बांध लिया था और इस तरीके से ये पॉट जो था वो नीचे रखूँगी और उसके ऊपर दूसरा और तीसरा इस तरीके से रखूँगी। तो ये फिर मैंने एक डंडा लगा लिया था ऊपर से और मुझे इसको हैंडल करने के लिए, तो इस तरीके से मैंने नीचे रख लिया था और दूसरा जो मैं करूँगी तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर से ही थोड़ा सा इसको अच्छे से टाइट से मैंने बांध लिया था ताकि दूसरा पॉट भी मैं हैंग कर लूँ। तो इस तरीके से ही आप लोगों ने करना है और ये सब मैंने करने के बाद ये मैंने पॉट्स जो थे हैंग कर लिए थे। आई होप आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।